को जानना, वह आनंद स्वरूप है। कहते हैं सब जितना जानते हो लेकिन उसको नहीं जानते हो तो सब जानना बेकार है, बेकार है। इससे आपको लाभ शांति मिल जाएगी नहीं, शांति मिल जाएगी नहीं। आप बेकार बेकार मैंने इस मामले में कि शांति नहीं। वैसे तो खाना कपड़ा लगता है उसके लिए तो थोड़ा ज्ञान चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। दोनों थाल बराबर पसी है, कभी साहब कहते हैं दोनों तरह का ज्ञान, भौतिक और अध्यात्म दोनों का संबंध है। यदि भौतिक ज्ञान है यदि अध्यात्म ज्ञान व्यक्त स्वनाम है सुगंध, स्वनाम है सुगंध। और खाली भौतिक ज्ञान है तो आपका काम जो है संसार के खाली, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सब जानने के बाद एक पढ़ा लिखा बाबू नदी को पार कर रहा, माझी और ए बाबू नाव से पार कर रहा था। संध्या का समय बाबू कहते हैं माझी से कि माझी मैं छत्र विद्या जानते हो? कहा बाबू नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, एक ही विद्या जानता हूँ, नाव को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, जो मिलता उसी से अपना अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करता हूँ। तो आज तक तो तुम्हारा चारना जीवन चला गया, अपना नियम है बेकार। ना आगे बढ़ी, कहा कि अरे कुछ पढ़ने लिखने के लिए जानते हो कि नहीं? कहा बाबू पढ़ने के लिखने नहीं जानता कुछ नहीं। तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार चला गया, अपना नियम है। ना आगे बढ़ी, कहा दस्तखत करने को जानते हो? कहा बाबू काहे माथा खराब कर रहे, मैं तो एक ही विद्या जानता हूँ, इस पार से उस पार ना। कहते तुम्हारा बारहना जीवन तो व्यर्थ में चला गया, पानिए में ना आगे बढ़ती है, चट्टान से बहुत जोर से टकरा जाता, पानी आने लगा, नाव को बचाना बड़ा मुश्किल। माझी सोचने लगा अब तो कोई उपाय नहीं बचाने का, माझी तो तैरने की विद्या जानता था, वो तो कूद गया। बाबू कहता है माझी मैं क्या करूँ? कहा बाबू तैरने की विद्या जानते हैं? कहा तैरने की विद्या तो मैं नहीं जानता। कौन कौन विद्या आप जानते हैं और तैरने की विद्या नहीं जानते हैं? मेरा तो चारना बचा हुआ है, अब आपका सोल्लो आना चाहिए, सोल्लो दुनिया भर का ज्ञान। अब देखिए दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त किए हैं लेकिन झूठ तो बोलते हैं जरूर, चोरी करते हैं, नशा व्यविचार ये सब नहीं दुष्कर्म करते हैं। पढ़ा लिखा कैसी विद्या होगी ये? इस विद्या से थोड़ी काम करो जो सुन रहे थे इसे आप छूट जाएंगे। नहीं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहम मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। कहते मूर्ख, मूर्ख के अंदर काम क्रोध ये सब उपजता है, तो चलो भाई सब मैं खड़ा, जो पढ़ लिख लिया बहुत तरह की डिग्री आ गई उसके अंदर भी उपजता है। यानी अपने भोजन में अपने हाथ से ज्यादा मिलाता है तो उसको आप ज्ञानी कहेंगे? अपने पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारता है, ये सब दुष्कर्म जो करते हैं, इसका नतीजा दुख होता है। दुख जो अपने ये दुख का सर्जन करता है तो ज्ञानी कैसे करते? इसलिए कभी साहब का दोनों एक ही समय है। विद्या तो बड़ी अविद्या, कैसी विद्या? सा विद्या जा भी मुक्ति, वही विद्या विद्या है जो सदा के लिए दुख से मुक्ति दिया। शिक्षा और विद्या में अंतर है, शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा को हुनर आप सीख लिए हैं, थोड़ा सा कुछ सीख लिए हैं, खाना पीने के टेक्निकली कौन कौन हुनर थोड़ा सीख लिए शिक्षा, लेकिन विद्या है जो मुक्ति प्रदान करता है, सारे दुखों से छुड़ाता है, वही विद्या सब विद्या है। एक अंधा मित्र गया अपने मित्र के यहाँ, जो अगर सम्मान करना चाहिए किया, संध्या हो गई तो कहता मित्र क्या था कि अब मैं घर जाना चाहता। अरे संध्या हो गई सुबह जाइएगा, करना इन्हें बहुत जरूरी काम है, जाना जरूरी है। तो ठीक है जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं एक लालटेन ला के दे देता हूँ। लालटेन लेके मैं क्या करूँगा? हमारे लिए तो रात दिन बराबर है, लालटेन में से आंसू नहीं लगेगा क्या? कहने आपको तो नहीं सूझेगा लेकिन उधर से कोई राही आता होगा ना, उसको तो सूझेगा, वो बगल होकर के निकल जाएगा, टकराएगा नहीं। ठीक है दे दीजिए, लालटेन जला के दे दिया।
कुछ दूर जब गया तो उधर से एक राही आ रहा था, बहुत जोर से टकरा गया। अंधा क्या कहता है कि तुम भी अंधा हो क्या? तो क्या हो गया? सुजदा ने हाथ में लालटेन है, लालटेन तो है लेकिन बत्ती बुझी हुई है। बत्ती बुझी है कैसे सूझेगा कि लालटेन है? बत्ती बुझी हुई है तो बुझा हुआ ज्ञान लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ये संतों ने कहा कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? अभिचार की जो ज्ञान कहाँ मिला? क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अरे वही ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का कहिए कि है खजाना। अच्छा अब सीधी बात है, हम लोगों का ये शरीर जो है ये आँख से ऊपर ब्रह्मांड, आँख से नीचे पिंड, और ऊपर का भाग जो है यही जो है ज्ञान का खजाना, ज्ञान का केंद्र। जितना ज्ञान भरा इसमें शास्त्रों में आया है ना, देहस्तास्त्र विद्या, देहस्तास्त्र देवता, देहस्तास्त्र तीर्थानी गुरु वाक्यम लभते। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ शरीर के अंदर मौजूद है लेकिन गुरु के अभाव में सब स्वयं। आप दुनिया की कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे ज्ञानी के पास आपको जाना पड़ेगा, शर्त है। स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चे सब पढ़ने के लिए तो क्या करते हैं प्रोफेसर, किताब को पीस पास करके पिला देते हैं तो हो जाते हैं ज्ञानी है। नहीं नहीं, उनके अंदर जो ज्ञान जगा हुआ है, विद्यार्थी के अंदर ज्ञान है लेकिन सोया हुआ है, सुप्त प्राय है। इसलिए आपने जगे हुए ज्ञान से सोया हुआ ज्ञान धीरे धीरे उसको जगाता हुआ भी ज्ञानी हो जाता है, वो भी हो जाता है ज्ञान। कोई सोया हुआ आदमी किसी को जगा सकता है? 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी सोया हुआ है तो किसी को जगा सकता है वह? नहीं। लेकिन एक आदमी यदि जगा रहे तब लाखों आदमी को जगा देगा। देखिए गुरु महाराज एक ठो जगे तो कितने जो है जग रहे, एक के। उसी तरह जगाने के समय लोग क्या करते हैं? पुकारते हैं, नहीं जगता है तो शरीर पकड़ के हिलाते हैं, जग जाते हैं। ये नहीं कि चेतना अंदर से घुसे, मैंने उसके अंदर में घुसे देते हैं, चेतना तो ही है लेकिन सुप्त प्राय है। उसी तरह हम आपके अंदर में ज्ञान भरा हुआ है, किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का केंद्र आप देखिए, ये जीव है कहाँ पर? जीव शरीर में कहाँ पर है? अंधकार में। आप बनकर देख लीजिए, शास्त्रों में कहा गया है, सब कहते हैं, मान लीजिए आप अपने तो ही देख लीजिए, अपने तो ही देखिए कहाँ पर है अंधकार। अंधकार में ज्ञान होता है किसी को बताइए? अभी तो सूर्य का प्रकाश है तो ज्ञान होगा, कुछ देर पहले बिजली बत्ती नहीं जलाते कैसा अंधकार, उस अंधकार में इधर उधर जाते तो गड्ढा में गिरते। तो कहने का मतलब क्या है? अंधकार में अज्ञान, प्रकाश में ज्ञान। जीव अंधकार में बैठा हुआ है इसलिए अज्ञानी बना हुआ, मूड बना हुआ, काम क्रोध व्यवहार रक्त गृहा सप्तुक रूप की में जान है रघुपति मूल पड़ा तमकू। कहते हैं कामी क्रोध जी बना हुआ अंधकार में पड़ा हुआ है, उस रघुपति राम को आत्मा राम को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। तो अंधकार सिर्फ हम आपके शरीर में है? नहीं, प्रकाश भी है, छूने से शरीर गर्म रखता है, तेरे में चमक। आपका सात धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? वेद तमसो माँ ज्योतिर्गम, मृत्यु माँ अमृत गम्य, असतो माँ सदगम्य। एक तरफ अंधकार है, दूसरे तरफ प्रकाश है, एक तरफ मृत्यु है, दूसरे तरफ अमृत है, एक तरफ असत्य है, दूसरे तरफ सत्य है। जिधर अंधकार है, मृत्यु है, असत्य है, संसार की तरह, जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है परमात्मा की तरह, दो ही तरफ। अंधकार में जीव पड़ा है, अब जो की क्रिया सुनो, दिमाग में बैठ गया उसको जानना है, ज्ञान सर सर्वण ज्ञान हो गया, सुन लिए ज्ञान, सुन करके हुआ कि बाहर कहीं जाने का जरूरत है, ज्ञान का खजाना तो हम आपके अंदर में है, उसी ज्ञान में शांति मिलती है, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। सुन करके समझ गए, ये सर्वण ज्ञान है,
चिंतन कीजिए, चिंतन करेंगे बस पूछा कि संत महात्मा कहते हैं तो ठीक कहते हैं कि नहीं, चिंतन कीजिए, चिंतन में स्थिर हो जाए तब जो है प्रयास कीजिए। निधि ध्यान, वो निधि ध्यान ज्ञान है, प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अंतिम ज्ञान, तब वही जो है अनुभव ज्ञान है। अनुभव मैंने पीछे अंतिम जो ज्ञान हो जाता है वो है अनुभव ज्ञान है, वही पूर्ण ज्ञान है, वही पूर्ण ज्ञान ही है। तो ज्ञान तो दर्जे हैं, आप सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, करेंगे करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या, इसे सत्संग बहुत आवश्यक हो जाता है। आप सुन लिए तो अंधकार से आपको बाहर होना, आप जाओगी क्रिया से जो योग नाम न समेटिए, योगना मैंने हानि से अपने को बचा के रखना, सीधी बात हानि कैसे होता है, पांच है पांच परस रस शब्द गंधर रूप इनका कहना कीजिए बौरी पर बहु, विषय से अपने को बचा, विषय से हानि होती है, लाभ नहीं होता, विषय से हानि होती है, अपने को बचा के रखिए। वही क्रिया है पूजा कोटि समम स्तोत्रम अस्तोत कोटि समो जाप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। और पूजा करते हैं, अरे पूजा करो चाहे नमाज पढ़ो, मुसलमान भाई भी करते हैं। आप देखिए यहाँ जो है संत मत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ फिरका प्रस्ती की बात नहीं होती, मजहब की बात नहीं होती, यहाँ मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा, कौन ऐसा मनुष्य है संसार में जो दुख चाहता है, शांति नहीं चाहता है। और शांति के लिए भगवान कृष्ण ने गीता जो गीता की रचना जो हुई है, भगवान कृष्ण के मुख से वाणी निकली है, कोई खास भक्ति के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के। संतों का जो भी विचार है, मनुष्य संत जो है मध्यम फिरका प्रस्थी जो है मोहम्मद साहब छोड़ो आए थे तो क्या कोई मनुष्य के बीच में नफरत की दीवार पैदा करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कुरान शरीफ में। प्रेम मजहब जो है वो ऐसा मजहब है नहीं जो नफरत करने के लिए करता है, सभी प्रेमी से करता है, सभी शांति का पाठ पढ़ाता है। ये तो ना समझी है अज्ञान के कारण जितना तरह का उल्टा सुलटा होता है संप्रदाय, ये सब जो है अज्ञानी ज्ञानी ये सब नहीं, जितने संत हुए या जिस भी कौम में हुए सब जो है ज्ञानी संत एक ही दर्ज। इसलिए गुरु महाराज ने कह दिया सब संतन की बड़ी बढ़िया है, इसका मतलब है भारत के संत की बड़ी हारी है, दूसरे देश के संतों की बड़ी हारी नहीं है, सब संत ये पहुंचे से कही गए इनकी बातें एक सभी से आने एक मत इनकी जाती है, सब की जात पात से ऊपर। तो वही ज्ञान की बात जो है कह रहे हैं, चाहे जो भी ज्ञान, ज्ञान तो सबके अंदर भरा हुआ है, अंधकार में जी पड़ा है, अंधकार से चलना है, अंधकार से चलिए प्रकाश में जाइए, प्रकाश से चलिए शब्द में जाइए, शब्द से ऊपर जब पहुंचेंगे वही शब्दातीत पद है, परम पद है, विजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्वीर स्वशब्दम चाक्षर निःशब्दम परम पद। अब जाने के लिए क्या करना, जैसे आप बैठे हैं आपको जाना है, क्या कीजिएगा, खड़ा होना पड़ेगा, आप लेटे हुए हैं तो आपको चलना है जाना अपने घर को, क्या करेंगे, हाथ पैर को समेटेंगे, बैठने की शक्ति होगी, बैठेंगे तो खड़ा होने की शक्ति होगी, खड़ा होंगे तो चल देंगे, यही तो क्रिया है। नाम रूपात्मक जग जीव नाम रूपात्मक जगत में पसरा हुआ फैला हुआ, जिक्र करो फिक्र करो जाप करो फिर ध्यान करो, मुसलमान भाई उसी को जिक्र करते हैं फिक्र करते हैं, जाप करो ध्यान करो अस्तुर ध्यान करो फिर क्या करो, फिर क्या करते हैं बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, उसी को मुसलमान सगड़े नसीरा असुर ध्यान और अधिकार, ये चार क्रिया सारे मजहबों में पहुँच। आप जो है बिंदु ध्यान से सिमटा सारे से सिमर गए अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, अप्रकाश में आपको शब्द सुनाई पड़ेगा।
ज्योति अंतर्गतम ध्वनि, सबके अंदर आवाज हो रही है, गहरी आवाज, परमात्मा की आवाज सबके अंदर, उसी आवाज पर तो सारी सृष्टि चली है। हम आपके अंदर, हम तो बाहर बाहर की आवाज को सुनते हैं, बाहर का आवाज देखना सुनना छूट जाए, बाहर देखिए अंदर में आपको आवाज सुनाई दे रही है, छूट जाए तब, और वो आवाज जो है परमात्मा की आवाज से प्रभाव भी वायस पर दिशा में। तो साधारण नियम है, डॉक्टर की आवाज को सुनते सुनते लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर की आवाज को सुनते सुनते इंजीनियर बन जाते हैं, और परमात्मा की आवाज को सुनेंगे तो क्या बनेंगे? परमात्मा। परमात्मा का क्या मतलब हुआ? हाँ।